और उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनको अब तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है। तो विपक्ष के कई नेता प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे नेता असमंजस में भी हैं कि आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएं या नहीं जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे देश से एक अपील की कि 22 जनवरी को पूरा भारत जगमगाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर किसी को अपने घर में 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलानी होगी। भारत के इतिहास में पहली बार 22 जनवरी को लोग रामलला की दीपावली मनाने जा रहे हैं। जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आखिर वो घड़ी नजदीक आ गई जिसकी प्रतीक्षा पूरे देश को है, प्राण प्रतिष्ठा की वो घड़ी जिसका इंतजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अयोध्यापुरी पहुंचे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के ही नाम की गूंज उठती रही। प्रधानमंत्री के भाषण का सारांश और प्रधानमंत्री के उद्बोधन का मर्म है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम राज में सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के जरिए पूरे यूपी को विकसित यूपी बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा और इसके साथ ही ये भी बताया कि 22 जनवरी को कैसे देश राम लला की दीपावली मनाएगा। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 जनवरी की तारीख एक युग परिवर्तन तारीख है। 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में एक साथ करोड़ों लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि अयोध्या में 22 जनवरी को एक साथ बहुत ज्यादा लोग ना आए
और व्यवस्था बनाकर रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 500 साल का इंतजार किया, कुछ दिन और रुक जाइए। प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाजा एकदम सही भी है। साल दर साल अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आइए जरा आपको ये दिखाते हैं कि आखिर श्री राम मंदिर को लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह कितना ज्यादा है और किस तरह से साल दर साल ये उत्साह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़ों की मदद से इसे समझाते हैं। सबसे पहले साल 2019 की हम बात करेंगे। 2019 ये वो साल है जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और उस साल में आप यहां पर देख सकते हैं आंकड़ों में, राम नवमी के दिन अयोध्या में 10 लाख लोग श्री राम के दर्शन करने पहुंचे थे, अयोध्या आए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साल 2020 की बात करेंगे। 2020 में श्री राम जन्मभूमि का जब पूजन हुआ था, तब अयोध्या में रामनवमी के दिन 15 लाख लोग दर्शन के लिए आए थे। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में 15 लाख लोग यहां श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे थे, यानी श्रद्धालुओं की संख्या में सीधे सीधे 5 लाख का इजाफा देखा गया। और बात अब 2023 की, ये वो साल है जब राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर था, और तब रामनवमी के दिन आप यहां आंकड़ा देखिए, 30 लाख लोग अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने आए थे, यानी एक दिन में 30 लाख लोगों ने अयोध्या का दौरा किया। और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि साल 2024, यहां आप देखिए अनुमान की हम बात कर रहे हैं, जब राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब रामनवमी के दिन कुल 50 लाख लोग, ये आंकड़ा आप देखिए, भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ सकते हैं। जब से भारत के अंदर तीर्थ नगरियों के कायाकल्प का काम शुरू हुआ है, हर तरफ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन तक श्रद्धालुओं का समंदर नजर आने लगा है। लेकिन अयोध्या की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ श्री राम जन्मभूमि है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्वयं देश से अपील की है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 जनवरी से पूरे देश से लोग अयोध्या कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 22 जनवरी को संयम बरतना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, कोई एक साल में आएगा, दो साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है, अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है।
22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक पहले 30 दिसंबर को मोदी की अयोध्या रैली का राष्ट्रीय महत्व है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के नेता ये बात पहले से कह रहे हैं कि 22 जनवरी का महत्व भी 26 जनवरी की तरह होने जा रहा है। 2024 के इस ऐतिहासिक तारीख का महत्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण और देश का विकास एक साथ हुआ है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में स्वयं भी राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास के श्री राम चरितमानस की चौपाई को पढ़कर बताया कि उनके लिए श्री राम और राष्ट्र की उन्नति का मतलब क्या है। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का शंखनाद कर दिया है जिसके केंद्र में श्री राम जन्मभूमि है।